और इस बीच एक बड़ी खबर आई है। घरोंडा के बरसत गांव में कैनरा बैंक की शाखा को एक बार फिर से जो चोरों ने निशाना बनाया है। जी हां, घरोंडा से बीती देर रात एक अज्ञात चोर बैंक का रोशनदान तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। चोर ने लोहे की रॉड की मदद से बैंक के स्ट्रांग रूम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इसके बाद चोर ने बैंक में रखी अलमारियों को खोलना शुरू कर दिया। एक के बाद एक बदमाश ने बैंक में रखी कई अलमारियों को खंगाल डाला, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। करीब 10 मिनट तक चोर ने बैंक के जो परिसर था उसमें चोरी की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके बाद चोर रोशनदान के रास्ते ही फरार हो गया। कैनरा बैंक में यह घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी है। इस घटना में बैंक प्रबंधन की बड़ी खामी उजागर हुई है। चोर बैंक परिसर में ताले तोड़ता रहा, लेकिन बैंक में सुरक्षा के लिए लगाया गया अलार्म सिस्टम नहीं बजता है। बैंक में हुई घटना की जांच करने मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेकर अब छानबीन शुरू कर दी है। हम आपको वही सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। 10 मिनट तक कैनरा बैंक में यह चोर जो है अलग अलग अलमारियां खोलता है, चोरी की कोशिश करता है। कोई अलमारी खोलने के बाद चोर का अलार्म सिस्टम नहीं बचता है, कोई अलार्म नहीं बचता। घरोंडा का ये जो मामला है कैनरा बैंक का, कहीं ना कहीं जहां बैंक के फेलियर सिस्टम को दर्शा रहा है कि कोई अलार्म ही नहीं बजा है। तो ऐसे में जो है ये भी देखना है कि जिस तरह से चोर बड़ी आसानी से बैंक में आ गया है रोशनदान की मदद से, तो बैंक में सिक्योरिटी को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। कैनरा बैंक में जो सेंधमारी की कोशिश रही, नाकाम ये तो कोशिश रही कि अच्छा है इस चोर के हाथ कुछ नहीं लग पाया, लेकिन अगर कामयाब हो जाती तो न जाने कितने लोगों का नुकसान होता। और फिलहाल की बात करें तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने जो है कब्जे में ले लिया है और अब आगे की छानबीन शुरू कर दी है। यह शख्स कौन था और इसकी छानबीन अब शुरू हो चुकी है। घरोंडा से हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जहां कैद हुआ एक चोर का कारनामा, कैद हुई उसकी नाकाम कोशिश। रोशनदान तोड़कर बैंक में घुस गया शातिर चोर, और जहां उसको उसके हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगी। वो अलमारियां खोलता रहा, कैश या दूसरी जो महंगी चीज है उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। 10 मिनट तक वो कोशिश करता रहा, लेकिन दुखद बात यह है कि जिस तरह से वो लगातार बैंक को खंगाल रहा था, कोई भी जो है वहां पर सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजा, किसी तरह का कोई अलार्म बजता नजर नहीं आया। और आखिरकार वो बैंक के उसी रास्ते से, जिस रोशनदान से वो बैंक में अंदर घुसा था उसी रास्ते से वो बाहर चला गया। फिलहाल पुलिस ने इस सीसीटीवी को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की छानबीन शुरू कर दी है। घरोंडा के जो है हम आपको कैनरा बैंक की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां स्ट्रांग रूम को तोड़ने की कोशिश की गई है। इस शातिर चोर के जरिए कैश निकालने में नाकाम रहा चोर, और ऐसे में ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक बड़ा हादसा होने से टला है। और चलिए, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जो है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भी सवाल खड़े कर रही हैं कि जिस तरह से अब बैंकिंग सिस्टम्स को भी अलर्ट होना होगा, जितने चोर शातिर हो चुके हैं तो बैंक सिस्टम्स को भी उतना ही जो है बिल्कुल अपडेट होना होगा और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली बहुत आगे जाना होगा। नहीं तो इस तरह की वारदातें कभी भी हो सकती हैं। जिस तरह से इस बैंक में अलार्म नहीं बजा है, तो घरोंडा की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम पर भी, बैंक वालों को भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं। उनके रोशनदान से कोई भी चोर एंटर कर जाता है और उसी रोशनदान से वो वापस चला जाता है। 10 मिनट बैंक के अंदर घूमता है, तमाम अलमारियां खोलता है, बड़ी आराम से वो यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन ये तो गनीमत रही कि कोई भी जो थी कीमती चीज उसके हाथ नहीं लगी। ये तस्वीरें हम आपको घरोंडा के कैनरा बैंक की दिखा रहे हैं जहां पर एक शातिर चोर कैनरा बैंक में रोशनदान के जरिए बैंक के भीतर घुसता है। 10 मिनट तक वो बैंक में अलमारियां और कीमती सामानों की छानबीन के लिए बैंक की तमाम फाइलों को खंगालता रहता है, लेकिन बावजूद इसके बैंक में कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजता। जी हां, स्ट्रांग रूम को तोड़ने की वो भरपूर कोशिशें करता है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं।